उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों, लघु व मध्यम उद्यमियों और निजी संस्थानों के संचालकों के बकाए बिजली बिल पर सरचार्ज में 100% छूट की घोषणा की है। कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर तक के बकाए बिल पर उन्हें 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी, जो 31 जनवरी तक लागू रहेगी। इस संबंध में विद्युत वितरण नगरीय के अधिशासी अभियंता यदुनाथ नाम ने बताया, इस योजना में सरचार्ज से छूट पाने के लिए पिछले माह तक के मूल बकाए का 30% जमा कर पंजीकरण कराना होगा। कोविड के चलते घर में बैठे ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी रहेगी। अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि घरेलू व किसानों के बाद अब व्यापारियों व उद्यमियों आदियों को भी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर LMV2 शहरी व ग्रामीण, वाणिज्यिक 4B निजी संस्थान व श्रेणी 6 औद्योगिक के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर 100% सरचार्ज से छूट देने के लिए कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना मंगलवार से लागू किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आसान किस्त योजना तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए किसान आसान योजना लागू की गई थी, जिससे हजारों उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने कहा, हाँ अभी जो है एक बहुत अच्छी योजना आई है और ये LMV2 मतलब कॉमर्शियल और औद्योगिक और जो है LMV4B प्राइवेट जो संस्थान है उनके लिए ये योजना लाई गई है और ये बहुत दिनों बाद योजना आई है। तो इसमें यह है कि 30 नवंबर तक उपभोक्ता के बिल में जो भी ब्याज की धनराशि होगी वो 100% माफ़ कर दिया जाएगा। इसका पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को आवेदन भर करके आना पड़ेगा और उसको जो है जो बकाए की धनराशि है ब्याज घटा करके, ब्याज छोड़ करके जो धनराशि बचेगी उसका 30% और उसके 30 नवंबर के बाद जो बिल होगा वो दोनों एक साथ जमा करने पड़ेंगे। अगर ऐसा उपभोक्ता कर देता है तो उसका जो है पंजीकरण मान लिया जाएगा और उसके बिल में से जो है वो धनराशि घटा दी जाएगी। अगर उपभोक्ता को ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर उपभोक्ता का बिल जो है टूटपूर्ण है, उपभोक्ता कहता है कि हमारे बिल में गड़बड़ी है, तो उसको उसके ऑप्शन वो अगर वो टिक करता है तो वो उपभोक्ता का बिल हम जो है उसको संशोधित करेंगे और ये हफ्ते के अंदर संशोधित करके उसको उपलब्ध करा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है ऐसे श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए और काफ़ी दिन बाद आई है। तो मैं अपील करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी कमर्शियल के और जो औद्योगिक और प्राइवेट निजी संस्थान जो हैं वो लोग जिनका बकाया है इस योजना का लाभ ले करके अपना बकाया चुकता करेंगे। उदाहरण के तौर पर सर किस तरह के उद्योग इसमें आते हैं? उद्योग LMV6 में जो है जैसे आटा चक्की है या इस प्रकार की छोटी और कोई राइस मिल है, छोटी राइस मिल है, इस तरह के जितने हैं जिसका लोड जो है 75 किलो वाट से कम है वो सब जो है औद्योगिक में आते हैं, LMV6 में आते हैं। और निजी संस्थान में जैसे जो है प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग संस्थान है या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सब जो है आते हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। कॉमर्शियल में आप जाते हैं जितने दुकानदार हैं, दुकानें हैं या जितनी ऑफिसेज हैं, सब सबको फ़ायदा मिलेगा। तो एक मुश्त जमा करना इनके लिए भी आसान किस्त योजना है, बिल जो है एक मुश्त जमा करना इनको रजिस्ट्रेशन के बाद, ये आसान किस्त भी है इनके लिए? नहीं, आसान किस्त भी है, 30% ही जमा करना है रजिस्ट्रेशन में, 30% ही जमा करना है। 30% जमा कर देंगे तो पंजीकरण हो जाएगा, अगर बिल संशोधित होना है योग्य है तो वो संशोधित किया जाएगा और उसके बाद जो है जो बचेगा वो किस्तों में देना पड़ेगा। आसान किस्त योजना आई थी तो करीब बक्सीपुर महानगर देखा जाए नगरी क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए? पिछली बार जो आई थी योजना वो आसान किस्त योजना थी जो है केवल घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं के लिए। तो उसमें हमारे डिवीज़न से 6555 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया था, उनको लाभ मिला था।
गोरखपुर शहर में कुल करीब करीब 15,000 उपभोक्ताओं ने इसका फ़ायदा उठाया था जो है। तो अब सरकार ने जो है उस श्रेणी को छोड़ करके अन्य जो श्रेणियाँ हैं, कॉमर्शियल है, औद्योगिक है और जो है निजी संस्थान है, एलएमबी 4B, उनके लिए योजना लाई गई है और काफ़ी दिन बाद ये योजना आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसका फ़ायदा उठाएँ।